नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट मूलीज पर। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसे देश के बारे में सुना है जहां पर एक भी नदी नहीं है, लेकिन यहां रुपए पैसों की कोई कमी नहीं, और यह एक ऐसा देश है जिसका कोई संविधान नहीं है। आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, वहां के लोगों के पास इतना पैसा है कि ये सोने का बाथरूम तक बनवा देते हैं। इस देश से आप या तो प्यार करते होंगे या फिर नफरत, लेकिन इसे अनदेखा कोई नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार भी इसी देश में है, जहां पर पानी कम और तेल ज्यादा मिलता है। एक ऐसा देश जहां पर लोग चोरी करने के नाम से डरते हैं, क्योंकि यहां चोरों के हाथ ही नहीं बचते। दुनिया की सबसे महंगी शादियां और सबसे महंगी कार भी इसी देश में देखने को मिलती है। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों में से एक सऊदी अरब के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी अरब का आधिकारिक नाम है ऑफ सऊदी अरबिया। दोस्तों, सऊदी अरब पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप पर बसा एक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में लाल सागर, उत्तर में जॉर्डन, इराक और कुवैत, फारस की खाड़ी, कतर से लगती है। साथ ही दोस्तों, इस देश का कुल क्षेत्रफल 21,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और वहीं इस देश की कुल पॉपुलेशन की बात करें तो यहां की कुल जनसंख्या 3,57,00,000 के आसपास है, जो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया भर में 41वें स्थान पर है। वहीं इस देश की पॉपुलेशन सिटी 16 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर की है। साथ ही इस देश की साक्षरता दर 97% है। दोस्तों, इस देश की राजधानी रियाद है, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी ये अपने पास रखता है। वहीं इस देश की आधिकारिक भाषा अरबी है। साथ ही सऊदी अरब में गाड़ियाँ चलाने की दिशा राइट साइड की है, जबकि यहाँ पर कॉल करने से पहले आपको +966 लगाना पड़ेगा। और सऊदी अरब में चलने वाली मुद्रा का नाम सऊदी रियाल है, जो भारत देश के 20.38 रुपए के बराबर बैठती है। वहीं यहाँ के लोगों की औसतन उम्र है 31 साल की। साथ ही दोस्तों, यहाँ के 84% लोग शहरों में रहते हैं, तो वहीं 16% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, और यहां मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर भी स्थित है। इन दोनों जगह पर हर साल दुनिया भर से काफी मुसलमान यहां आते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब का कोई संविधान नहीं है। ये इस बात पर जोर देता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान है। दरअसल ये शरिया कानून के मुताबिक चलता है। सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आजादी दी। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं है। ये पानी पीने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर समुन्द्र का पानी फिल्टर करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक यहां पानी को लेकर बहुत दिक्कत थी, लेकिन आज उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि इस देश में एक भी चोर नहीं। यहां के कानून इतने सख्त है कि अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो समझिए कि यहाँ उसकी मौत पक्की है। सऊदी अरब में आप कहीं पर भी बेफिक्र होकर घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्राइम होता ही नहीं। दोस्तों, सऊदी अरब को अपने अजीबोगरीब रीति रिवाजों और कानूनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उन्हीं में से कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर गंदी फिल्में देखने पर सख्त पाबंदी है। इस देश में आप सॉस वाला सैंडविच नहीं खा सकते, और यहाँ सुअर के मांस पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब में 2018 तक सिनेमा बैन था, जिस कारण यहाँ के बहुत से लोग दूसरे देशों में सिर्फ इसलिए जाते थे ताकि फिल्म देख सके, पर अब सरकार ने लगे सिनेमा पर बैन को हटा दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब के इन नियमों में से एक नियम ये भी है कि अगर किसी जहाज में दारू रखी हुई हो तो वह जहाज सऊदी अरब के ऊपर से नहीं गुजरता, और ये कानून दुनिया भर में लागू है। साथ ही यहाँ की सीमाओं के भीतर गैर मुसलमानों को दफनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं इस देश के लोगों को सिगरेट पीने की बहुत ही बुरी लत है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है सिगरेट इंपोर्ट करने के मामले में। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ की सरकार ने साल 2012 से ही सरकारी ऑफिसों में स्मोकिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब अपने देश में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, जिसका नाम किंगडम टावर है, वह अभी भी बन रहा है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। दोस्तों, अगर हम इस टावर की ऊंचाई की बात करें तो ये टावर 3280 फीट
पानी की लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है। जब ये बन जाएगा तो समझिए पूरी दुनिया में सबसे ऊंची इमारत यही होगी, क्योंकि इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा टावर दुबई में है जिसका नाम बुर्ज खलीफा है और उसकी ऊंचाई 600 फीट है। सऊदी अरब में बेबी ऊंट का मीट बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में ये मीट बहुत पॉपुलर है। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे महंगी शादी भी इसी देश में देखने को मिलती है। सऊदी अरब की शादियों में कम से कम 15 दिनों तक सेलिब्रेशन रहता है। साथ ही दोस्तों, इस देश में महिलाओं के लिए बहुत कड़े नियम हैं, जिनमें से एक ये है कि इस देश की महिलाएं अपने पति से बिना पूछे विदेश यात्रा पर नहीं जा सकती हैं। वहीं सऊदी के कुछ और अपने नियम हैं जिसका पालन हर कोई करता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में बिना किसी की मर्जी के पिक्चर खींचना सख्त मना है, और अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा गया तो उसे सऊदी कानून का सामना करना पड़ सकता है। ये जानकारी अधिकतर सऊदी में जाने वाले टूरिस्टों को एयरपोर्ट पे ही दे दी जाती है। आपको बता दें कि सऊदी अरब अब अपने देश के कानूनों में बदलाव ला रहा है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब अब महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दे चुका है। हाल में ही सऊदी में विदेश कपल को शादी का प्रूफ दिए बिना होटल रूम शेयर करने की भी इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा अब महिलाएं भी अकेले होटल में रूम लेके रह सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबको सऊदी अरब का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। वहीं जाते जाते हमारे इस चैनल फैक्ट मूलीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो की सारी अपडेट आप तक तुरंत पहुंचती रहे। हम मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।